कश्मीर से धारा 370 हटने का सबसे सकारात्मक प्रभाव दिखना आरंभ हो गया है तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतवर्ष में सनातन धर्म स्थलों के निर्माण के क्रम में अब कश्मीर में भी मंदिरों का पुनर्निर्माण होना आरंभ हो गया है। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको स्वतंत्रता पश्चात ही नष्ट कर दिए गए कश्मीर के एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर की जानकारी देने जा रहे हैं, जिसका वर्णन प्रत्येक हिंदू कर्मकांड में होता है तथा इस मंदिर के पुनर्निर्माण के साथ इसके इतिहास व वर्तमान स्थिति की जानकारी भी हम आपको देंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कश्मीर से धारा 370 हटने के पश्चात कश्मीर घाटी कई परिवर्तनों का साक्षी बन रहा है, जिसके कई सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। पहले हम आपको इस मंदिर के इतिहास व महत्व को बताते हैं। कश्मीरी पंडितों की आस्था का प्रतीक शारदा पीठ मंदिर लगभग 5000 वर्षों से अधिक प्राचीन मंदिर माना जाता है। कश्मीरी लोगों, विशेषकर पंडितों समेत देश भर के हिंदुओं के मन में इस मंदिर को लेकर आज भी दर्द दिखता है। शारदा पीठ मंदिर अमरनाथ और अनंतनाग के मार्तंड सूर मंदिर के ही प्रकार से कश्मीर समेत पूरे भारत के लिए श्रद्धा का केंद्र है, परंतु इस मंदिर की वर्तमान स्थिति आप देख नहीं पाएंगे, इतनी दयनीय है। शारदा पीठ का अर्थ है माता शारदा का स्थान। शारदा देवी माता सरस्वती का ही एक नाम है, इसे कश्मीरी नाम भी बताया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती का दाहिना हाथ इसी स्थान पर गिरा था। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इसे देवी शक्ति के 18 महाशक्ति पीठों में से एक माना गया है। शारदा पीठ मंदिर का धार्मिक आस्था के साथ ही शैक्षणिक महत्व भी है। भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक शारदा पीठ भी था, जो कि अब वर्तमान समय में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नियंत्रण रेखा के समीप किशन गंगा नदी के तट पर स्थित है। इस नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। श्रीनगर से लगभग 124 किलोमीटर, मुजफ्फराबाद से लगभग 140 किलोमीटर और कुपवाड़ा जिला मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। शारदा देवी मंदिर में पिछले 70 वर्षों में विधिवत पूजा भी नहीं हुई है। आज भी देश भर के पंडित ब्राह्मण कर्मकांड के समय शारदा पीठ को ही नमन करते हैं। शारदा पीठ मंदिर निर्माण के ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी देते हुए बता दें कि देवी शारदा को कश्मीर पूर्ववासिनी भी कहा जाता है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार शारदा पीठ मंदिर को महाराजा अशोक ने 237 ईसा पूर्व में बनवाया था। अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार शारदा पीठ का निर्माण ललितादित्य मुक्ति पीठ ने आरंभ करवाया था। यही नहीं, ईरानी इतिहासकार अल बरूनी ने एक तीर्थस्थल के रूप में शारदा पीठ के बारे में भी लिखा है। इस विवरण के अनुसार 8वीं सदी तक शारदा मंदिर प्रमुख तीर्थस्थल बन चुका था। 11वीं शताब्दी में कश्मीरी कवि बिल्हड़ ने शारदा पीठ के बारे में लिखा। उन्होंने कश्मीर को शिक्षा का संरक्षक बताया एवं उसकी ऐसी ख्याति के पीछे शारदा पीठ को माना है। 14वीं शताब्दी तक कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण मंदिर को बहुत क्षति पहुंची। तत्पश्चात विदेशी आक्रमणों, विशेषतः मुगलों एवं अफगानों के हमलों में मंदिर का अत्यधिक क्षति हुआ। कुछ प्राचीन वृत्तांताओं के अनुसार मंदिर की ऊंचाई 142 फीट और चौड़ाई 94.6 फीट है। मंदिर की बाहरी दीवारें 6 फीट चौड़ी और 11 फीट लंबी हैं। वृत्तखंड 8 फीट की ऊंचाई के हैं। अधिकतर ढांचा इस्लामी कट्टरपंथियों ने बेरहमी से ध्वस्त कर दिया था। इसकी कारण से शारदा पीठ में तीर्थयात्रियों की संख्या घट गई। कश्मीर में जब डोगरा शासन आरंभ हुआ तो शारदा पीठ के तीर्थयात्रियों की संख्या फिर बढ़ी। इस मंदिर की अंतिम बार मरम्मत 19वीं सदी में महाराजा गुलाब सिंह ने करवाया था एवं 1946 में कुपवाड़ा के स्वामी नंदलाल की अगुवाई में अंतिम बार यहां पर संगठित तौर पर भव्य तीर्थयात्रा का आयोजन किया गया था। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के साथ ही देश को विभाजन का गहरा घाव लगा। इसके साथ ही शारदा पीठ का भी सब कुछ बदल गया। भारत और पाकिस्तान में युद्ध के समयावधि में शारदा पीठ पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों ने भारतीय जम्मू कश्मीर में पलायन किया। नियंत्रण रेखा अर्थात LOC के काफी निकट होने के कारण से यहाँ सरलता से तीर्थयात्रा की अनुमति नहीं मिलती। मंदिर तक जाने के लिए भारतीयों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदा पीठ शाक्त संप्रदाय को समर्पित प्रथम तीर्थ स्थल है। कश्मीर स्थित इसी मंदिर में सर्वप्रथम देवी की आराधना आरंभ हुई थी। बाद में खीर भवानी और वैष्णो देवी मंदिर की स्थापना हुई। कश्मीरी पंडितों का मानना है कि शारदा पीठ में पूजी जाने वाली माँ शारदा तीन शक्तियों का संगम है। पहली शारदा शिक्षा की देवी, दूसरी सरस्वती अर्थात ज्ञान की देवी और तीसरी वाग देवी अर्थात वाणी की देवी। यही नहीं, विद्या की देवी सरस्वती को समर्पित शारदा पीठ में आदि शंकराचार्य और वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य ने साधना कर महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की थीं। इस पीठ को विश्व के सबसे पुराने और प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। इतिहास और महत्व की जानकारी देने के पश्चात आइए अब हम आपको शारदा मंदिर पर नवीन जानकारी देते हैं। एलओसी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर जम्मू कश्मीर के टिटवाल गांव में आजकल बहुत सारी गतिविधियां होती दिख रही हैं। जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र में टिटवाल नियंत्रण रेखा के पास प्राचीन माता शारदा देवी के मंदिर को बनाने का कार्य आरंभ हो गया है। सेव शारदा कमेटी के अनुसार उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्थित मंदिर का निर्माण पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर अर्थात पीओके में शारदा पीठ मंदिर की सदियों पुरानी तीर्थ यात्रा को आरंभ करने के लिए किया जाएगा। शारदा यात्रा मंदिर समिति ने कश्मीर में टिटवाल क्षेत्र में एलओसी पर प्राचीन शारदा मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ किया है। समिति ने भूमि के सीमांकन के पश्चात दिसंबर 2021 में इस परियोजना की नींव रखी थी। शिव शारदा कमेटी के प्रमुख रविंद्र पंडिता के अनुसार शारदा मंदिर के प्लानिंग और मॉडल को पहले ही श्रृंगेरी दक्षिण मठ की ओर से अनुमोदित किया जा चुका है। शारदा मंदिर में प्रयोग होने वाले ग्रेनाइट पत्थरों को कर्नाटक के बिदादी में उकेरा जा रहा है। महत्वपूर्ण है कि इसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में शारदा पीठ की सदियों पुरानी तीर्थ यात्रा को पुनर्जीवित करने के लिए बनाया जाएगा। यह मूल रूप से शारदा मंदिर का आधार शिविर है। यात्रा यहीं से आरंभ होगी। तीर्थयात्रियों को यहीं से पीओके ले जाया जाएगा। आधार शिविर यात्रा का पारंपरिक मार्ग होगा। जिस प्रकार से पंजाब की सीमा पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर से दर्शन होते हैं, ठीक उसी प्रकार से आगे चलकर यहां भी यात्रा होंगी। जानकारी के लिए बता दें कि 1947 में विभाजन के पश्चात प्राचीन शारदा पीठ मंदिर और उसके परिसर तथा गुरुद्वारा भी आदिवासी हमलों में क्षतिग्रस्त हो गए थे। यहाँ पर क्षतिग्रस्त मंदिर और धर्मशाला तथा गुरुद्वारा के अवशेष भी मिले हैं। तब से यह भूमि वीरान पड़ी हुई है एवं स्थानीय मुसलमानों के पास थी, जिसे अब उनसे प्राप्त कर लिया गया है। बीते दिसंबर 2021 के महीने में इस भूमि पर पारंपरिक पूजा की गई और इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए शिव शारदा समिति ने एक मंदिर निर्माण समिति का गठन किया। समिति में 3 स्थानीय मुस्लिम, 1 सिख और कश्मीरी पंडित सम्मिलित हैं। उत्तरी कश्मीर के इस टिटवाल गांव में बीते 28 मार्च को माता शारदा मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है एवं यहां पर मंदिर के साथ ही गुरुद्वारा और मस्जिद का निर्माण भी आरम्भ हो गया है। कमेटी के अनुसार 6 महीने के भीतर यह निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। एक अन्य जानकारी हेतु बता दें कि अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए शारदा पीठ की पवित्र मट्टी भी मंगवाई गई थी। अत्यंत संक्षेप में आपको सरलता पूर्वक समझाने हेतु यदि हम अपना दृष्टिकोण रखें तो शारदा महाशक्ति पीठ कश्मीर के शारदा घाटी में स्थित है, जो कि वर्तमान में पीओके, जिसे कि पाकिस्तान ने भारत की भूमि को तथाकथित आजाद कश्मीर घोषित कर रखा है, वहां से भारतीय नियंत्रण से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एलओसी से लगभग 500 मीटर की दूरी पर टिटवाल नामक स्थान पर सेव शारदा कमेटी नामक संस्था की ओर से एक पुरानी आस्था के स्थान पर ही नवीन मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है, जहां से भविष्य में मुख्य शारदा महाशक्ति पीठ मंदिर तक दर्शन यात्रा निकलेगी एवं एलओसी पार कर नीलम वैली रोड के माध्यम से लगभग 60 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए मुख्य मंदिर पहुंचेगी। यहां पर हमारा प्रश्न यह है कि टिटवाल में एक मंदिर का निर्माण तो हो रहा है, परंतु क्या मुख्य मंदिर अर्थात शारदा महाशक्ति पीठ का भी कुछ हो पाएगा? क्योंकि मुख्य मंदिर की अवस्था तो किसी खंडहर से कम नहीं है एवं वह स्थान पाकिस्तान के कब्जे में है, तथा यह भी देखना होगा कि भारत से उस स्थान पर जाने के लिए पाकिस्तान कब तक दर्शन यात्रा की अनुमति सरलता से देता है एवं कितने लोग इस यात्रा को करने में रुचि दिखाते हैं। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई शारदा महाशक्ति पीठ की विशेष जानकारी पसंद आई हो तो अपने गाँव अथवा जिले का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप अथवा टेलीग्राम आदि में जुड़े एवं आगे आने वाले वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां शारदा।